ये देखें, सिट्टा मुकम्मल बन चुका है और दाना भी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, 60-60। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे ठीक। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कई दिनों से ना आपने फसल नहीं देखी कि उसकी क्या सूरत हाल है। आज प्रोग्राम बन रहा है कि चलते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या कंडीशन है, मजीद कितने दिन बाकी हैं फसल तैयार होने में। तो चलते हैं वहीं और पहले जाकर फसल देखते हैं और उसके बाद आगे की रूटीन करेंगे शुरू। अच्छा जी, ये देखिए जी फसल की सूरत हाल, माशाल्लाह ये तो तैयार है बिल्कुल ही। कुछ दिन मजीद हैं उसके बाद ये मुकम्मल तैयार है। ये देखें, सिट्टा मुकम्मल बन चुका है और दाना भी, ये आप देख सकते हैं। तो ये अब तैयार है माशाल्लाह, 20 से 25 दिन में ये तैयार है, मुकम्मल पक जाएगी और उसके बाद इसकी कटाई जो है वो शुरू कर ली जाएगी। अच्छा जी, फसल की जो सूरत हाल है ना, माशाल्लाह फसल तैयार हो गई है और जो है ना सिट्टा उसका वो बन गया है माशाल्लाह बेहतरीन। और अभी कहीं कहीं पर नहीं बना तो वो बन जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो इंशाल्लाह एक माह तक फसल तैयार है और बेहतरीन पड़ी है, अभी तक अच्छी कंडीशन है। हाँ अलबत्ता कहीं कहीं बार ना इस तरह के ये अब ये जो है ना, ये खाली सिट्टे हैं, मतलब इनमें कोई दाना नहीं है। तो कहीं कहीं पर ये वाले मसाइल हैं। तो इसकी वजह कुछ यूँ है कि चूँकि अभी तक ना गर्मी मुकम्मल तौर पर नहीं जा रही, दिन में ना थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ रही है, हालांकि हम इंसानों को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो फसल है ना इसका दाना मतलब नहीं बन रहा, कहीं कहीं पर इस तरह ख़राब हो रही है। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला थाम जाए गर्मी का, और माशाल्लाह अब जितना जल्दी सर्दी आएगी ना उतना ही फ़ायदा है फसल को। तो अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेहतरीन पड़ी है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है और फसल एक महीने तक तैयार भी है। अच्छा जी, मैं अब फसल के अंदर कुछ सिट्टे आपको दिखाता हूँ जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। चंद एक, मतलब सारे तो नहीं, सारे कुछ दिनों तक होंगे, लेकिन चंद एक हो चुके हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये देखिए आप, ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ये भी है, अब ये देखें, ये कुछ सिट्टे जो है ना ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, बस थोड़े गीले हैं तो कुछ दिनों तक ये काट जा सकते हैं, और बाकी जो कंडीशन है ना वो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये आप देखें, कुछ कुछ दाने ये सिट्टा देखें, ये पक गया है, मुकम्मल पक गया है ये, और इस तरह के और भी काफ़ी खड़े हैं जो इसी तरह पक गए हैं। अच्छा जी, अब मैं आया खड़ा हूँ शॉप पर जहाँ पर काम हो रहा है, वो आप देख रहे हैं दो दिन से काम हो रहा है, मतलब कल और आज। तो ये जो है ना मुकम्मल होने वाली है, आप ये देखें तकरीबन दो साइड तो मुकम्मल हो गई हैं, बल्कि तीन साइड, यही जो सामने नज़र आ रही है ना यही वाली साइड रहती है। और ये अब हम मिस्त्री से पूछते हैं कि ये कब तक ख़त्म होगी। मिस्त्री भाई जान, और कितना टाइम लग रहा है? बस आज गाड़ी में ख़त्म हो जाएगा जी। आज तो ख़त्म हो गई थी, आज ख़त्म। चलो इंशाल्लाह। अच्छा जी, मिस्त्री भाईजान बता रहे हैं कि आज ये जो है ना फाइनल हो जाएगी, तो कल इस पर छत रख लेंगे और तकरीबन परसों से ना इसमें सौदा वगैरह जो रखना है रख लेंगे, और उसके बाद आप अगर ख़रीद करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप लोग आएँ, हम आपको बाहर ही आया तो आपके जो राशन की अशिया है ना वो देंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, आज के मैं इस व्लॉग का यहीं पर करता हूँ एंड। कल एक नए व्लॉग में आप लोगों से होगी मुलाकात इंशाल्लाह।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।